हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज अजय तिवारी। अजय तिवारी नेम से मेरा ब्लॉग चलता है। अभी जो है हम लोग जो है एक खूबसूरत से जगह जो आप लोगों को मैंने बताया था, बेलबनवा मंदिर, उस जगह पे हम लोग जो है जा रहे हैं अपने सारे टीम मेंबर के साथ। वहाँ पे चलेंगे और वहाँ का जो दृश्य है वो आपको दिखाएंगे और वहाँ का जो पुराने गाथा है वो भी आप लोगों को सुनाएंगे और क्या क्या चीज़ वहाँ का प्रचलित है वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं, जैसे होगा फिर आप लोग देखते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, जो बेलबनवा मंदिर का जो ये दृश्य आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने बोल रहा था, ये जो बेलबनवा ब्रिज आप लोग जैसे मंदिर आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत काफ़ी पुराना मंदिर है। ये जो प्रचलित है, एक जो पुराने में एक नागा बाबा जो रहते थे, बहुत ही पुराने में वो बूढ़े थे बहुत, ठीक है। ये जो अगल बगल का जो ज़मीन है ये उनके हड़पा हुआ ज़मीन है। अभी ये उन्हीं का, ये सारा का सारा जो ये मंदिर का ही ये जो ज़मीन है ये उन्हीं का है, मंदिर का ही ये ज़मीन है। जितना भी आसपास आप लोग देख रहे हैं ये मंदिर का ही है ज़मीन। जो पहले थे एक नागा बाबा, उन्हीं का ये मंदिर थे और जो नागा बाबा थे वो एक मठिया गांव, हम लोग के गांव के जो मतिया गांव है, मतिया गांव के बगल में एक मठिया गांव है, वहां के वो नागा बाबा थे जो कि बहुत ही प्रचलित थे। हे गाइस, देखिए आप लोगों को जैसे मैंने हम लोग बता रहे थे कि नागा बाबा का जो मंदिर है वो बहुत ही प्रचलित है। वो जो नागा बाबा थे पहले के ज़माने में, वो अपने पास बहुत ही शौकीन आदमी थे। वो हाथी, घोड़ा, स्कॉर्पियो वगैरह जो भी रखना था वो बहुत ही शौकीन आदमी थे, बहुत ही कुछ सामान वगैरह रखे हुए थे। अगर किसी भी चीज़ को, ज़मीन अगर हड़पना होता तो हाँ, कोई भी उनसे डरता था, लेकिन उनका जो शरीर था वो भी बुलंद था, वो भी आदमी भी बुलंद थे, किसी से डरते नहीं थे। वो अपने हित के लिए किसी से भी लड़ सकते थे, यहाँ तक कि डीओ हो, एसडीओ हो, बीडीओ हो, डीएम हो, कोई भी हो, वो अपने हित के लिए, अपने गाँव के भलाई के लिए, अपनी भलाई के लिए वो किसी से भी लड़ सकते थे। उन्हीं के कारण आज हम लोग इतना बढ़िया अच्छा खासा दृश्य हम लोग देख रहे हैं। गोपालगंज में बहुत ही लंबा ये मंदिर है, गोपाल जिले का बहुत ही बड़ा मंदिर है ये बेलबनवा, बहुत ही बड़ा मंदिर है। आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा मंदिर है, ये बहुत ही बड़ा मंदिर है, जिले का एक नंबर स्तर पर ये मंदिर आता है। आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि हमने बताया ये बगीचा जो रेलवे लाइन है उधर भी इनका ज़मीन था, लेकिन अभी कुछ लोग जो है अपना खेत वगैरह बनाने के लिए, अपना मतलब नागाबुआ जब मर गए तो अपना खेत वगैरह बनाने के लिए क्या किए, अपना लोग ज़मीन हड़प ली। जैसे इतना बढ़िया मंदिर है ये, यहाँ पे आने के बाद आदमी को सुकून बहुत मिलता है, इतना ज़्यादा सुकून मिलता है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। ये तो जैसे कि मैंने बताया बहुत ही लंबा मंदिर है ये, गोपालगंज जिले के अंदर में आता है, बहुत ही लंबा मंदिर। ये आसपास में उन्होंने अपने घर बनवा रखा है जो भी यहाँ पे पुजारी रहते हैं। और मेन तो यहाँ का ये है कि वो हाईवे के जस्ट बगल में है, ये जो मंदिर है हाईवे के जस्ट बगल में ये मंदिर है। आसपास में जो भी घर ये बनवाए हुए हैं, जो भी यहाँ पे पुजारी रहते हैं, उन लोगों को रहने के लिए यहाँ पे ये घर वगैरह जो बनवाए हुए हैं। यहाँ का जो प्रचलित है अब वो है मिठाई, जो एक लड्डू आता है, घी का लड्डू जो आता है, वो घी का लड्डू यहाँ का प्रचलित है, प्रसिद्ध है। कोई भी यहाँ पे आता है तो पहले घी का लड्डू से उसको क्या करता है, पहले चढ़ाता है, उसके बाद खाता है, वो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और ये जो मंदिर है जो है शनिवार और मंगलवार को ही खुलता है। अभी हम लोग, आज संडे है, हम लोग मतलब नहीं देखे डेट ये कौन सा दिन है, लेकिन आज जो शनिवार और मंगलवार को ही ये खुला रहता है। अभी आप लोग देख सकते हैं हम लोग आए हुए हैं, लेकिन ये अभी ये क्या है, ये बंद हो चुका है, ठीक है। हे गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया मंदिर के बारे में, बगीचे के बारे में, इधर आप लोग दूर दूर तक देखेंगे कितना ये पहले जो है ऐसे ही साफ सुथरा जंगल था, लेकिन अभी उनके ना रहने की वजह से ये जो जंगल है ये जो काफी ऐसे ही कोई साफ सफाई करने वाला इसका नहीं है, कोई भी इसको साफ सुथरा नहीं करता है। जैसे है वैसे पत्ता वगैरह देख रहे हैं आप लोग कितना कबाड़ा इधर का है, लेकिन यहाँ का जो व्यू है, यहाँ का जो अच्छा सबसे अच्छा जो लगता है वो मंदिर। यहाँ पे आने के बाद आदमी को बहुत ही संतुष्टि, बहुत ही शांति आदमी को महसूस होता है। आप लोग चलिए हम आप लोग को मंदिर का व्यू दिखाते हैं।
मंदिर है चारों बगल से सेम आकार का होना चाहिए, ना कि आगे से बढ़िया और पीछे से बेकार। नहीं, ये जो मंदिर है चारों बगल से खूबसूरती का नज़ारा एक देता है, चारों बगल से एक ही डिजाइन का आप लोगों को दिखेगा। आप लोग देख सकते हैं किधर से भी कोई भी ये नहीं होगा, आप लोगों को चारों बगल से, अगर आप जैसे कि आगे से हमने दिखाया, बैक से भी मैंने आप लोगों को दिखाया, अभी इसके बगल में ही रेलवे लाइन का फाटक जो है गुजरता है, यहाँ से कुचाईकोट का जो है वो गुजरता है,